सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. इट्स अ ग्रेट ऑनर कि जैन परिवार, इतना बड़ा जैन परिवार है, उन्होंने मेरे को यहाँ पर इनवाइट करके चीफ गेस्ट के तौर पर इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जी. मेरे को क्रिकेट तो नहीं आती, बट आई लव वॉचिंग क्रिकेट एंड आई एम अ गोल्फर, सो आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो. स्पोर्ट्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, आई थिंक इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. क्योंकि जब आप गुस्सा आता है, सपोज आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो आप बॉल को फेंक देते हो, बैट तोड़ देते हो, और मेरे जैसा गोल्फर क्लब तोड़ देता है. तो हम फील्ड के ऊपर गुस्सा निकाल कर घर जाते हैं, और घर जाके आदमी शांत हो जाता है. बंदा कहता है शुक्र है गेम खत्म हुई, और सारा दिन का जो गुस्सा ना वहीं निकल जाता है. सो आई थिंक इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एंड आई रियली एडमायर एंड अप्रिशिएट. क्योंकि मैं जलंधर में भी जितने भी जैन परिवार हैं उनका इसी तरह से उनकी लीग होती है, आई हैव बीन अटेंडिंग दैट. एंड और टू बी ऑनेस्ट कोई और करवाता नहीं है. सो इट्स रियली एडमायरेबल कि आप लोग इस चीज़ को करते हैं, एक कनेक्शन बढ़ता है फैमिलीज में. मैंने आते ही पहले पूछा कि बिडिंग तो नहीं होती, ऑक्शन तो नहीं होती, कहते नहीं जी पर्ची निकालते हैं. तो उसमें क्या होता है कि सारे परिवारों के बीच में जो छोटी मोटी बात होती है वो खत्म हो जाती है. आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट फॉर्म टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. गुड लक गाइज. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. आई विल बी वॉचिंग द मैच, सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ गुड परफॉर्मेंस. थैंक यू. मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है जी स्पोर्ट्स खेलना. बिकॉज स्पोर्ट्स खेलने के चक्कर में क्या होता है कि आप रात को जल्दी सोते हो, सुबह जल्दी उठते हो. जब आप रात को जल्दी सोते हो, यू डोंट गेट इनटू दैट सीन के मेरे को अल्कोहल पीनी है. अल्कोहल ड्रग्स का सबसे बड़ा दुश्मन स्पोर्ट्स है. अगर आपने इन चीज़ों से छुटकारा पाना है तो यू हैव टू बी अ स्पोर्ट्समैन. एवरी स्पोर्ट्समैन actually wakes up early in the morning and they don't get resolved to these things. Sir, inna matlab set up karna, ikatthe hona, Sanjay Jain ji, MJ Bhaiya se team hai, te it bada time lagda hai na, badi appreciation chahiye, paisa chahiye, fund chahiye, effort chahiye. Ye asal seva to yahi hai na ji, that we are actually promoting our culture and the connection between the family. So I believe jo sir kar rahe hain ये असल सेवा है. सर शुक्रिया करना चाहोगे सर आए ने कुछ थोड़े मैच दे. मैं रियली मेरे पास आज वर्ड्स नहीं है. मैं रोज कुछ ना कुछ बोलता हूँ, लेकिन आज सर आए हैं तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है. आई रियली थैंकफुल कि इन्होंने अपना समय, इतना कीमती समय निकाला है हम लोगों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर, और साथ में लड्डू ग्रुप से सर आए हुए हैं. मतलब मैं खुद को ये कहो कि बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ कि हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पे सर ने टाइम समय निकाला है. आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू सर. थैंक यू वेरी मच. मैं एक्चुअली कहूँगा कि आप सब लोगों को इंस्पायर करें जी कि जितने स्पोर्ट्स इवेंट हम प्रमोट कर सकते हैं. आप फॉर एन एग्जाम्पल, एक टाइम पर सबसे ज्यादा स्पोर्ट्समैन जो हमारे थे, चाहे ओलंपिक है चाहे एशियन गेम्स है, वो पंजाब से आते थे. सब खत्म हो गए. यू नो व्हाई? बिकॉज पेरेंट्स डू नॉट टेल देयर किड्स टू प्ले स्पोर्ट्स. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी. आप बच्चों को बताओगे नहीं कि स्पोर्ट्स खेलनी हो, कैसे खेलेंगे? बिल्कुल. मैं तो आई नो फॉर अ फैक्ट, क्योंकि मैं खुद गोल्फ खेलता हूँ जी. मेरा गुस्सा जो है सारा का सारा मैं गोल्फ कोर्स पर फेंक कर आता हूँ. आई एम बेटर एट बिजनेस, आई एम बेटर एट होम. जो गुस्सा मेरे को घर वालों पर निकालना होता है वो मैं गोल्फ क्लब में निकाल के आता हूँ, स्पोर्ट्स में निकाल के आता हूँ. आई थिंक इट्स मेडिटेशन. सर लीग श्री महावीर जैन योग संघ सेवा लाइन वालों करवाई जा रही है, जो कि 21 तरीक से स्टार्ट किया. तो अज का हले फर्स्ट सैमीफाइनल हो रहा है. अज पहला दो क्वार्टर फाइनल होए तो हूँ दोनों सैमीफाइनल अज ही होने हैं. तो लीग का जोड़ा सा मोटिव से वह बहुत अच्छे ढंग असी इनू अचीव किया. जो अपना टारगेट साडा कि भी फैमिलीज जड़ियाँ आके इतने इंजॉय कर, वो असी पूरा पूरा उस चीज़ में कामयाब होए हैं. उस चीज़ वास्ते कि फैमिलियाँ भी इंजॉय कर रही हैं, जो खेल रहे वह भी इंजॉय कर रहे, जो देख रहे वह भी इंजॉय कर रहे हैं. तो अज साडे लिए बहुत खुशी का दिन है कि पंजाब केसरी तो अभिजय सर इतने अज आए हुए थे. तो एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस के एक साड़ी बहुत छोटी रिक्वेस्ट है, उन्होंने साडा मान रखा. असं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हैं. तो अज लड्डू ग्रुप तो अंकल जी भी आए हुए हैं, तो जिन्हों का असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. बाकी कल फाइनल है, और कल ADC साहब मिस्टर गौतम जैन जी ने आना है. और फाइनल का देखो रिस्पोंस सर, रिस्पोंस फर्स्ट टाइम जी असं लीक की साडे मन च, देखो कितना ना कि डर भी होंगे जो बंदा पहली बार कोई भी शुरुआत करता है. बट जो सोचा सी सानू लोगों ने उदो वध प्यार दिता जी. साडे अपने फैमिली मैंबर्स है सारे, साडिया बहुत वड्डा परिवार है, 380 फैमिलीज हैं जुड़िया हुई साडे नाल. और उन्होंने जो प्यार दिता है सानू बहुत ही अच्छा लग्या. जो असी सोचा सी उदो वध के सानू उन्हां तों मिलिया. थैंक यू सर.
ਸਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਊਂਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਟੈਪ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਲੀਗ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਯੁਵਕ ਸੰਘ ਜੋ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟੀਮ ਸਪੋਂਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਨਿਊ ਸਪੋਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਲੀਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ।